सिटी वेस्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। विरोधियों का किस प्रकार जवाब देना है, इस बात का सही से अगर कोई ज्ञान करना हो तो वो विधायक विनोद भेणा से सीखे। ये वही चौक है जहां कुछ दिन पहले ये आवाजें उठी थी कि विधायक विनोद भेणा का कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ा ये चर्चा चला था कि इस गाँव में विरोध हुआ था। आज विधायक विनोद भेणा उसी जगह उसी चौक में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और बड़ी खास बात ये रही कि ढाणी कुतुबपुर ये गांव है। ढाणी कुतुबपुर के गांव से कुछ दूरी पहले ही जो है एक और प्रोग्राम यहां हुआ, वहां भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, वहां भी पगड़ियां पहने गई, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। उसके कुछ ही दूरी से पर ये जो एक और जो चौक जो मौजूद है, जो गाँव का एक बड़ा मेन चौक है, उसी चौक में विधायक विनोद भेणा पहुंचे साथ में नरेश यादव। बड़ा एक जबरदस्त जो एक जो आयोजन जो यहाँ हो रहा है कि लोग अपने घरों की छतों पर ऊपर चढ़ के और पूरे इस चौक में कहीं भी कोई पांव रखने की जगह नहीं है, फूल मालाओं से पगड़ियां पहनाकर यहाँ विधायक का स्वागत हुआ है। लोगों से बात करेंगे, विधायक से पूछेंगे कि जिस गांव में विरोध हुआ था उसी गांव में दोबारा आने पर उनको कैसा लगा, क्या जो विरोधी थे उनको मना लिया गया है, कैसा क्या माहौल है, वो हम विधायक से पूछेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। यहाँ चौक में जो है गणमान्य लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे माहौल कैसा है। बाबूजी क्या नाम आपका? बहुत बढ़िया, मेरा नाम रामनिवास है। रामनिवास जी, बीजेपी और कांग्रेस की जो कह रहे हैं टक्कर पूरी है 5 अक्टूबर में, आपके गांव की बात करा तो? नहीं, हांसी में तो हमारा गांव जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि आपने पता है भाजपा ने जो है ना देश हित की बात करी है और देश हित की बात बोल रहे हैं, तो देश हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। विकास भी हमारे गांव में हुआ है, सर्विस भी हमारे गांव में लगी है, ये ऑन ग्राउंड है। कितनी सर्विस लगी है? सर्विस लगे 84 बच्चे। 84? हाँ। बिना खर्ची पर्ची वाली बात है? कुछ नहीं, ये सही बात है, बगैर खर्ची पर्ची के लगे हैं वो बच्चे लगे हैं जो होनहार बच्चे हैं। तो यानी कि आप कहने का मतलब ये 5 अक्टूबर को जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ रहने वाला? पक्का पक्का। पता नहीं इसी चौक में था पिछले 10-11 दिन पहले विरोध भी यही हुआ था विधायक? विरोध तो वो कोई 2-1 बच्चों ने करा था, आपके गाँव के थे? हाँ, गांव के बच्चे थे, वो कोई कारणवश बन चुका था, लेकिन बाकी और जो मेन गांव की पंचायत था उसने किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छा, वो बच्चों के आपस में भाईचारे में उन्होंने रोला किया। यानी जो बीजेपी बिना खर्ची पर्ची का जो जिक्र कर रही है वो सही बात है? राइट बात है। इसमें कांग्रेस वाले बड़ा एक प्रचार कर रहे हैं ऐसा है वैसा है, कांग्रेस तो करती रहेगी। अभी कांग्रेस तो 10 साल सत्ता से बाहर रही है तो उनको तो खलबली मच रही है ना अभी। इस बार सरकारी कांग्रेस बनाने लग रही है। घोटाले कितने हुए हैं, कहाँ हुए हैं घोटाले, तो बाप बताओ ना, आप भी तो मीडिया से हो, कितने घोटाले हुए हैं? नहीं, कांग्रेस वाले ये कहने लग रहे हैं कि इस बार बोले कि सरकारी कांग्रेस की आन लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता। आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार आ रही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार कंप्लीट है, आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से। ताऊ जी क्या नाम आपका? आप ये भी राजू ना, आप पूछेंगे निजाराम निजाराम बोले बोले के भी नुका बोले बीजेपी सरकार बना लो रहेगी साहब। अच्छा, बनने की बीजेपी बनेगी की बात कर, राहुल बेना बन जाएगा, ये बनावाएगा मैं, ये हमारा घर, राहुल बेना बन जाएगा। मैं यही देखू तो नाम पता है जी, बोलिए जी। और मंत्री बनेगा कैबिनेट का? कहो आप। राहुल बेना कौन था, विनोद मक्कड़ कौन था? विनोद बेना का है। विनोद बेना का है माहौल सारा? बिल्कुल, जमा आप चिंता करो, आपने फोटो ले लेके आना पड़ेगा, कई बार आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। आपके हिसाब से अच्छा तो मार्जिन है वो बीजेपी लेके निकले? बिल्कुल मार्जिन है, साहब कांग्रेस हुकूमत जो आपस में भड़कते रहे हैं इनका काम है, लेकिन भाजपा का पूरा जोर है। गांव में भी काम नहीं कर रखा, बोले आपके गांव वाली सड़क या नहीं बनी? गांव की सड़क एक भी कौन छोड़ रखी, एक भी सड़क नहीं छोड़ रखी है, ये थोड़ी सी आपस में ना कब्जा हल्का नू। अच्छा, रह रही कि गांव के लोगों की वजह से रुकी, कोर्ट केस की वजह से हो रही है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल जमा लालपरा में मिलेगी, खरड़ में मिलेगी, चारू मेर के रोड सारे बन गए। बिल्कुल, एक दो रह रहा वो, हम तो बयाना साहब का बांह पकड़ के घर से निकल जाओ, आ जाए साहब, आ जाएगा बिल्कुल। तीन बार जीता रखा है बयाना साहब नु, बात चल भाई। एक और भाई साहब खड़े, भाई साहब क्या नाम है? राजेश सैनी। सैनी साहब न्यू कहे बोला इस बार बोला बीजेपी सरकार बनाने लग रही है? 1000% कांग्रेस वाले जो इतना जोर लाने लग रहे, कोई लवा तो रही को नहीं, मरावदारी बनी मारा गांव में तो 85 पर्ची मुश्किल हो जाओगी, 85 पर्ची मुश्किल हो। अच्छा, हाँ बीजेपी ने दोगे बाकी? बीजेपी एक तरफा। अच्छा, एक तरफा, एक तरफा। अरे यानी कि जो राहुल मक्कड़ जो कांग्रेस के टिकट के लिए खड़े हैं उनका कोई आप माहौल नहीं मानते? मैं कांग्रेस पार्टी ना मुसलमान ही पार्टी मान लू, हिंदू तत्व पार्टी है सिर्फ यह। अच्छा, अपनी बीजेपी, बीजेपी सही है। हाँ, जिता दोगे विनोद बेणा? विनोद बेणा बन रहे है, बन रहे है, बन रहे है। ये तो यूं ही भागने लग रहे हैं, बने बैठे बने बैठे, ये तो मिलन ना आवे नु भाईचारा में। हां,
चलो ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है, विधायक से भी बात करेंगे। विधायक विनोद भैया डाणी कुतुबपुर गांव में पहुंचे और ये वही गांव है जिसमें 10 दिन पहले जब विधायक पहुंचे बड़ी चर्चाएं चली विधायक जी की, जो विरोध हुआ था वहां पे 10 दिन पहले इसी गांव में, लेकिन आज 3 जगह प्रोग्राम, ये एकदम से कैसे हुआ? ऐसा है, विरोध उस दिन भी नहीं था, उस दिन भी इसी तरह से हजारों की तादाद में लोग चौक पे थे जी। और मैं जब गाड़ी में जा रहा था, खुली काफले में लेकर के आए थे मेरे को, खुली गाड़ी में लेकर के आए थे गांव के लोग, मैं चौक तक पहुंचा था और ये गांव खड़ा सामने, कम से कम रास्ते में 10 महिलाओं ने तो मुझे स्वागत करते हुए दूध पिलाया था जी। बहुत बढ़िया जनसभा चल रही थी, सारा गाँव वहीं था, सिर्फ 2 लड़के आके उनको डिस्टर्ब करना था और कोई कोई विरोध नहीं था। विरोध होता है गांव विरोध करे, हजारों की तादाद में 2 लड़के आकर के अगर कोई एली बेली बात करने लग जाए तो विरोध नहीं कह सकते उसको। इस गांव ने हमेशा अपना साथ सहयोग आशीर्वाद मुझे हमेशा दिया है। अभी मैं पीछे पार्लियामेंट की बात भी करूं तो इस गांव से 85% जितना वोट पोल हुआ 85% एक तरफा बीजेपी को गया और मैं इस बात का बिल्कुल नकारता हूं कि इस गांव में किसी ने मेरा विरोध किया है। 1-2 लड़के कोई भी कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, तो जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं कि पूरे गांव ने बड़ा भारी समर्थन दिया है और ये समर्थन इनका आज का नहीं, मैं जब से चुनाव लड़ने लगा हूं ढाणी कुतुबपुर ने हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखा। डिग्गी से निकले जी, वहाँ पे एक खेतों की साइड एक प्रोग्राम था, एक डाणीसी में प्रोग्राम था, सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। मैं वहाँ उतरा, मैं कहा जी यहाँ मेन आयोजन होगा, बोले नहीं जी यहीं इससे आगे एक और है। चौक में गया, वहाँ सैकड़ों लोग थे, बोले जी ये बोले नहीं जी एक और है, ये तीसरा प्रोग्राम है जी। यानी कि अब ये गाँव के लोगों से हम बात करा, बोला जी हमारा तो माहौल ही सारा के सारा बीजेपी का है, सारा टोटल बीजेपी है। ये सारे जो यहाँ खड़े हैं दलित वर्ग के लोग हैं, इन्होंने सारा का सारा समर्थन बीजेपी को दिया है। निश्चित तौर पर इन सारे लोगों के समर्थन से बीजेपी को एक विशेष बल मिला है और मैं इस इनके सहयोग को मद्देनजर रखता हुआ ये कह सकता हूं कि हांसी की सीट अब एक तरफा हो गई और भारी बहुमत से जीतेगी जी। 17 पार्षद जो थे आज आपके समर्थन में आए, तो कितनी एक जो शहर में से भी और भी ज्यादा बढ़त बीजेपी को मिल रही है मुकेश जी? 17 पार्षद कोई छोटी बात नहीं होती जी। हर पार्षद की अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, अपने वार्ड में उसकी, वैसे तो पार्षद की पहचान पूरे शहर में होती है, पूरे इलाके में होती है, मगर अपने वार्ड में उसकी बहुत ज़बरदस्त पहचान होती है और आज 17 वार्डों का समर्थन मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं अपने आप में फख्र महसूस कर रहा हूं कि आज इतनी बड़ी कामयाबी मुझे मिली है। ये सब पर भगवान की कृपा है और हांसी की जनता का आशीर्वाद है। कांग्रेस के जो राहुल मक्कड़ हैं वो कह रहे हैं कि मैं खुली एक बहस के लिए विधायक को आमंत्रित करता हूँ, आप तैयार हैं बहस के लिए? मैं 24 घंटे तैयार हूं और मुझसे क्या बहस करूंगा? जो आदमी 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोग के एक शब्द नहीं बोला, कभी उसने कोई अपने शहर के लिए अपने हलके के लिए कोई डिमांड नहीं रखी, जिसको 31,000 वोट मिले उसने एक आदमी के लिए भी आवाज़ कभी नहीं उठाई, कभी खुले मंच से कोई आवाज़ उठाई हो, डिप्टी सीएम उसका था, आज वो बहस करने किसके पास सामने बहस करने आएगा जी? जब से नरेश यादव आपके साथ आए हैं तब से उनके जो स्वर हैं वो भी बदल के, वो कह रहे हैं कि बोले जी दोनों के दोनों ने मिलकर कॉलोनियां काट दी, हमारे को घेर रखा है कॉलोनी काटने वालों ने। कहते भाई कानूनी काटी है तो कोई पाप नहीं किया, सरकार से लाइसेंस लेके नरेश जी ने कानूनी काटी है और अगर कोई हमने भी हमारे बच्चों ने भी कोई कानूनी काटी हो तो सरकार से लाइसेंस लेके, और लाइसेंस लेके काम करना कोई जुर्म नहीं है। आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए या तो फिर वो भ्रष्टाचार करे या फिर काम करे, काम तो करना ही पड़ेगा ना, अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो इस बात की उसके पेट में दर्द क्यों हो रही है जी? नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमने जो कॉलोनी काटी है उसके सरकार में पीछे जमा करे उन पीछा तो थारी सड़क बनेगी जी। और आपने जो काम किया है उसका जवाब कौन देगा? 12 साल तक डस्टर गाड़ी में 40 लाख की टिकट आंधी नीचे आएगी, किसने गिफ्ट करी? श्वेत पत्र जारी कर, 1-1 करोड़ का चंदा हर रोज आन लग रहा है, कहाँ ले जाओगे? काम चंदाड़े करवाओगे? इनका कोई नहीं आओ, गरीब आदमी का हिस्सा है, हमने गरीब का नहीं खाया, सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार को पैसा दे और कॉलोनी काट के शहर को सुविधा दे रहे हैं, शहर चमकेगा, चंडीगढ़ जब भी नजर आएगी जब हमारे लिए कॉलोनिया की लाइट चमाचम करेंगी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार दिन बढ़े रहे। तो कहीं नहीं, ये नरेश यादव और विनोद भैया थे और जैसे इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो अब धीरे धीरे गांव में भी अपनी एक लहर है वो बढ़ाती जा रही है, आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि इन प्रोग्रामों में जो भीड़ जो बढ़ती जा रही है, 5 अक्टूबर का दिन अब कुछ और भी रोचक जो है वो होने वाला, कितना रोचक है वो आने वाला समय बताएगा। आप अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।